गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? योर वीडियो इज नॉट विजिबल टू मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, योर वीडियो इज नॉट विजिबल टू मी। यस, योर वीडियो इज नॉट विजिबल टू मी। मैम अच्छा, प्लीज, मैम प्लीज टर्न ऑन द वीडियो। मैम प्लीज टर्न ऑन द वीडियो, आई एम नॉट एबल टू सी एनीवन। यस प्लीज टर्न ऑन द वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू सी मी? एम आई विजिबल टू यू? यू कैन सी द बोर्ड ऑल्सो? सो व्हाट्स टूडेज टॉपिक? ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। सो दैट्स रियली गुड टू नो दैट यू नो अबाउट दैट। ओके, सो स्टूडेंट, यू नो दैट यू गिव फीस और यू सबमिट फीस इन योर स्कूल, यस और नो? यस, स्कूल में फीस देते हो ना? ओके, डिड यू नोटिस देयर इज अ ट्रांसपोर्ट फी ऑल्सो? डिड यू नोटिस दैट? यस। So what do you mean by that transport fee? It is for what? Yes, this transport fee is for what? Any of you know? Student, I am not able to see you. I don't know who is speaking. Yes. Am I audible? Yes, Yeah. student. So please do respond. So transport fee is for what? Why are you giving transport fee? Yes. So basically, transport fee is for your school bus that is taking you from the school to the home and home to the school. Yes or no? Yes. So what it is called? It is shifting. Who is getting shift here? You. You are getting shift from your home to school and school to home daily. Yes or no? Yes, that's good. And do you know what it is called? What it is called? It is called transportation. It is called transportation. So here you can see, like here, student, this screen is visible to you. My video is visible to you. Yes. Okay, so now here you can see, like you, these students are also going to their school from their home. So this is how even you also, shift from your home to school, school to home daily. Okay, and this is called transportation. So what is the meaning of the transportation? Note down. Transportation, we can divide it into two parts. So first is trans. Okay, trans means across, and pot means to take, means to take someone from one part to another part, or one area, one position to another position or area. Got it? ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हुआ? ट्रांस मतलब अक्रॉस, और पॉट मतलब टू टेक।
एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, गॉट इट? अच्छा मुझे आपके, आप दिखाई तो नहीं दे रहे, सुनाई तो दे सकते हो, तो स्पीक इट लाउडली, यस और नो? यस, दैट्स फाइन. अब व्हाई वी आर यू नो डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्ट इट्स नॉट ए इंग्लिश लेक्चर, है ना, साइंस की क्लास है, ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं. सो व्हाई ट्रांसपोर्टेशन? सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाई ट्रांसपोर्टेशन? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन? व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? क्यों चाहिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? आप बताओ, सबने ब्रेकफास्ट किया है? ऑल यू हैड योर ब्रेकफास्ट टुडे? यस और नो? सो व्हाई योर एनर्जी इज लो? स्पीक इट लाउडली. यस, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. सो दैट मींस आपने खाना नहीं खाया, खाया है तो कंफर्म करो, से इट लाउडली. ओके, अब आवाज आई मुझे, सो दैट्स फाइन. सो यू ऑल हैड योर ब्रेकफास्ट. नाउ व्हाट हैपन टू योर मील दैट यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट? जो अपने खाना जो सुबह ब्रेकफास्ट में लिया, उसको क्या हुआ है? यस बेटा, कोई एक उठ के जो है माइक के पास आके बोले, सारे बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. यस यस बेटा, मैम, आफ्टर इंजेशन द फूड हैज बीन डाइजेस्टेड एंड बाय एसिमिलेशन द न्यूट्रिएंट्स हैज बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू अवर ब्लड. दैट्स गुड, दैट्स गुड. सो वेयर कंप्लीट डाइजेशन हैपन? कहां पर होती है पूरी डाइजेशन? इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स रियली गुड. अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, है ना? बट आर ईच एंड एवरी पार्ट इज गेटिंग दैट दोज न्यूट्रिएंट्स, है ना? हमारे सारी बॉडी को वो खाने की जो एनर्जी है या न्यूट्रिएंट्स है वो मिल रहे हैं. कैसे? जो डाइजेशन हुआ वो तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, लेकिन हमारे हर एक पार्ट में जो है वो खाना पहुंच रहा है. कैसे? हाउ? यस यस, जो बोल रहे बेटा माइक के पास बोले, स्पीक लाउडली, क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे. सो नाउ वी कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस ओनली. यस, कैसे पहुंचेगा बेटा खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहां पर है, पेट के यहां पर. और मैं कह रही हूं कि मेरे दिमाग, मेरे जो है टोस, मेरी फिंगर टिप्स, यहां तक खाना हो या फिर एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहा है. कैसे पहुंच रहा है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन लेके जा रहा है? मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड पासिस इट इनटू फ्लूइड्स लाइक ब्लड. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दैट्स गुड. बेसिकली ब्लड लेके जा रहा है फिर, है ना? ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, दैट्स गुड. और आपने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया बेटा, फ्लूइड. वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर, ठीक है? नाउ खाना हमारा पहुंच गया. अब सब टेक अ डीप ब्रीथ, एवरीवन टेक्स अ डीप ब्रीथ. क्या किया अंदर? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ गई? रेस्पिरेशन पड़ा था ना, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? फील करो, चेस्ट पे हाथ रखो, लंग्स पे गई. अब क्यों लंग्स तक रह जाएगी? ओनली लंग्स कैन होल्ड द ऑक्सीजन. यस, और इट विल गोज टू ईच एंड एवरी पार्ट लाइक फूड. यस यस स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन विल स्टे हियर इन द लंग्स ओनली, और इट विल पास टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, बट हाउ? कैसे जाएगी? लंग्स लेके जाएगा? यस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द लंग्स टू यू नो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. एंड हु विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स? यस बेटा, धीरे बोल रहे, स्पीक इट.
यस, ऑक्सीजन कैसे जाएगी? मैं अगर कहूँ मेरे दिमाग तक जा रही है या मेरे फिंगर टिप्स तक आ रही है, ऑक्सीजन कैसे आ रही है? हाउ? अगेन थ्रू ब्लड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब बेटा आपने ये चीज जो है ऑक्सीजन और फूड वाला एक रिएक्शन पढ़ा था हमने इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डू यू रिमेम्बर दैट? यस यस, सो इन दैट वी लर्न फूड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट हैपन, और इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिएक्ट्स और कंबाइन विद द फूड एंड गिव्स अस एनर्जी, एंड अलोंग विद एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो रिलीजेस, है ना? ये भी रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर वेस्ट प्रोडक्ट्स? ओके, नाउ फूड एंड ऑक्सीजन दैट वी नीड एंड दैट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू यू नो इन आर बॉडी, बट व्हेन आर बॉडी इज कंज्यूमिंग और यूटिलाइजिंग दीज टू, इट इज गिविंग व्हाट? इट इज गिविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो डू यू थिंक दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर एंड मैनी मोर स्टे हियर इन आर बॉडी, और वी आर बॉडी गेट रिड ऑफ दोज ऑल्सो? यस, क्या हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है या निकलते हैं? निकलते हैं, मगर मैं कह रही हूं मेरे यहाँ फिंगर टिप्स में जो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन हुई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज किया, दो दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो कैसे जो है बॉडी से बाहर निकलेगा? वेस्ट वाटर गेट रिलीज्ड थ्रू व्हाट? यस, किससे निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट जो है? वेस्ट प्रोडक्ट इज व्हाट दैट आर बॉडी डजंट नीड, है ना? अब कैसे निकलेगा? यस, अब वो किसके थ्रू जो है हमारी किडनी तक पहुंचेगा? बेटे योर वीडियोस इज गेट फ्रीज। यस, मैम, द वेस्ट प्रोडक्ट विल बी कैरीड आउट बाय वेन्स थ्रू टू आवर किडनी। ओके, वेन्स, बट वेन्स इज अ पैसेज, व्हाट इज इनसाइड द वेन्स? अगेन सेम थिंग, ब्लड। यस दैट इज ब्लड। सो बेसिकली ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ यूजफुल और वी कैन से वेस्ट प्रोडक्ट्स। गॉट इट? इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ हियर इज द थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू। अभी आप में से किसी ने मुझे बोला ब्लड इज अ फ्लूइड, सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज फ्लूइड? किसको हम फ्लूइड कहते हैं? यस, हु कैन टेल मी व्हाट इज फ्लूइड? यस, व्हाट इज फ्लूइड? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड व्हेन वी आर सेइंग ब्लड इज अ फ्लूइड? हाउ एंड व्हाई? इफ वी आर सेइंग समथिंग वी शुड नो द रीजन, ओके? यस और नो? इफ आई एम सेइंग ब्लड इज अ फ्लूइड, वी डोंट हैव टू क्रैम, हमें रट्टा नहीं लगाना, हमें समझना है क्यों है वो फ्लूड। क्योंकि फ्लूड क्या होता है बेटा, नोट डाउन एवरीवन, नोट डाउन, फ्लूड इज एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो करती है दैट इज फ्लूड ओनली, नोट डाउन, ठीक है? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड। सो व्हाट डू यू थिंक, ब्लड कैन फ्लो और नो? यस यस, सो ब्लड कैन फ्लो, सो इट्स अ फ्लूड। इवन यू नो एयर इज फ्लोइंग, सो एयर इज ऑल्सो अ फ्लूड। ओके, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूड ओनली, ओके? दैट इज व्हाई वी से ब्लड इज अ फ्लूड, एंड ब्लड इज अ वेरी गुड फ्लूड बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आर बॉडी टेम्परेचर। ओके,
इवन वेन वी गेट इंजर्ड, तो हमारी जो इंजरी है ठीक है उसको ठीक करने में भी कौन हेल्प करता है? ब्लड ओनली, इट इज ओनली ब्लड दैट हेल्प्स अस यू नो गेटिंग रिकवर फ्रॉम इंजरी ऑल्सो. ओके, सो इट्स अ वेरी गुड वी कैन से कॉम्पोनेंट ऑफ आर बॉडी. सो नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस. ठीक है, क्लियर है बेटा फ्लूइड क्या है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट ब्लड. सो व्हाई ब्लड एक्ट एज अ मीडियम, व्हाई नॉट अदर सिस्टम? सो वी डिस्कस्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड इज ट्रेवलिंग थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड, बट व्हाई नॉट अदर ऑर्गन्स और अदर पार्ट ऑफ आवर सिस्टम? क्यों इंटेस्टाइन खुद क्यों नहीं जाके इधर उधर दे रहा? लंग्स ऑक्सीजन हर एक जगह जाके खुद क्यों नहीं दे रही? व्हाई सो? यस, कभी इस चीज पे सोचा है क्यों ब्लड ही जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? क्यों लंग्स या फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके पास ऑक्सीजन है एंड डाइजेस्टेड फूड है, व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी? व्हाई सो? यस, हु कैन टेल मी? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, जनरल अवेयरनेस, व्हाई सो? यस, हु कैन टेल मी? जस्ट कम फॉरवर्ड टू द माइक, क्लोज टू द माइक. यस यस, कम क्लोज टू द माइक. यस बेटा सोचो, लंग्स क्यों नहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा? स्मॉल इंटेस्टाइन एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं जा रही? सोचो, क्या जा सकता है? आपका लंग्स अपनी जगह छोड़ के जा सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी जगह छोड़ के जा सकता है? यस और नो? नो, बिकॉज दे आर फिक्स्ड, उनकी एक जगह बनी हुई है, दे आर फिक्स्ड एंड दे कांट फ्लो, दे आर नॉट फ्लूड, है ना? फ्लूड नहीं है वो. ब्लड इज अ फ्लूड, इट कैन इजिली मूव. गॉट इट? व्हाई ब्लड इज एक्टिंग एज ए मीडियम? बिकॉज इट कैन फ्लो व्हाइल अदर पार्ट अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कांट मूव फ्रॉम वन यू नो पोजिशन टू अनदर. सो हाउ कैन दे एक्ट एज ए मीडियम? ठीक है, गॉट इट? सो दैट्स व्हाई. सो नाउ नेक्स्ट, दैट वी ऑलरेडी कवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? दैट सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, है ना? एंड दैट्स व्हाई द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ब्लड इज अ फ्लूइड? बिकॉज इट कैन फ्लो. सेम आंसर. ठीक है, नाउ व्हेन एवर यू से ब्लड इज अ फ्लूइड, यू शुड नो और यू शुड टेल बिकॉज इट कैन फ्लो, दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लूइड. गॉट इट? सो नाउ क्वेश्चन बेटा नोट भी कर लो और इसका आंसर साथ साथ लिखना है आपने. Why blood is red in color? Why so? Who can tell me why blood is red in color? Yes? Because it contain hemoglobin. It contains hemoglobin. That's good. And what is hemoglobin? It contains. अभी लिखो बेटा hemoglobin की स्पेलिंग. It's a hemoglobin. एंड वट इज हीमोग्लोबिन? राइट डाउन, इट्स अ प्रोटीन. पढ़ा हुआ है ना न्यूट्रिएंट चैप्टर में इन क्लास सिक्स? यू ऑलरेडी लर्न अबाउट वट आर प्रोटीन्स. ठीक है, सो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन होल्ड्स अ मिनरल, दैट ऑल्सो यू लर्न इन योर क्लास सिक्स. इसमें जो होता है मिनरल दैट इज आयरन, एंड दिस आयरन बेसिकली गिव्स रेड कलर. ठीक है, इस आयरन की वजह से जो है हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को रेड करता है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस. अब कई बार आपने सुना होगा बेटा, यू मस्ट हैव यू नो हर्ड दैट सम पर्सन इज हैविंग अनीमिया और उसको आयरन की कमी है. ठीक है, आयरन की कमी क्या होती है? बेसिकली दे आर सेइंग कि इस पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन कम है.
हीमोग्लोबिन कम, आयरन कम, आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम। अब हमें आयरन खाना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आयरन गेट्स, आयरन चेयर्स, आयरन यू नो ऑब्जेक्ट्स, मिनरल। अब वो हमें कहां से मिलता है? खाने के आइटम से, लाइक स्पिनेज, पालक, ठीक है, दैट इज रिच इन, वी कैन से आयरन, जैगरी, गुड़, वी शुड हैव जैगरी, दैट ऑल्सो रिच इन आयरन। सो आयरन रिच फूड बेसिकली प्रोवाइड और गिव अस आयरन एंड इंक्रीज आर आयरन लेवल एंड अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन। एंड दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, डिजीज का नाम क्या है बेटा? डिजीज नेम इज अनीमिया। इट्स अ डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और हीमोग्लोबिन। इट्स अ डेफिशिएंसी डिजीज दैट यू ऑलरेडी लर्न्ड इन योर क्लास 6। इट्स अ डेफिशिएंसी डिजीज, सबको याद है? यस, डू यू रिमेम्बर अनीमिया? यस और नो, यू रिमेम्बर दिस? अनीमिया दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ, वी कैन से, हीमोग्लोबिन दैट गिव्स रेड कलर टू आर आरबीसीज। अब हमारा क्वेश्चन था पहला कि क्यों आरबीसी का कलर, ब्लड का कलर हमारा जो है रेड है। सो नाउ यू गॉट द आंसर, है ना? सबको आंसर मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Why shape of RBCs are biconcave? So it's again, let's go back. When we are saying concave, it is this shape. ठीक है, ऐसी shape. अब जो हमारा RBC है वो ऐसे को है circle, लेकिन ये अंदर से pressed है. It's a pressed, ठीक है, प्रेस है थोड़ा सा, जैसे बटन होते हैं ना बेटा, आपकी शर्ट में बटन होगा, यहां से वो बाहर को निकला होता है और यहाँ अंदर जो है थोड़ा सा दबा होता है, यहां से ये वाला पार्ट, इट इज लाइक दिस ओनली, दोनों साइड से दबा हुआ, प्रेस्ड, डिप्रेस्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस शेप? अब ब्लड जो है हर एक पार्ट में जाता है, हर एक जगह जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? पाइप्स, और उन पाइप्स को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल। यस, ब्लड वेसल्स। अब हमारे घर में भी पाइप्स होती है ना, सबने देखी है, ब्लड वेस पाइप्स होती हैं, कई मोटी होती हैं, ठीक है, कई पतली होती हैं, ठीक है, ऐसे होती हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर भी पाइप्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कोई मोटी है, कोई पतली है, मतलब कोई वाइड है, कोई नैरो है। अब जब नैरो के अंदर से उसने जाना है, आरबीसी ने, ब्लड ने, तो अब वो कैसे जाएगा? उसके सेल्स तो बड़े हैं। सो बाई कॉनकेव होने की वजह से दैट कैन फोल्ड इजली। तो ये जो हमारा सेल है ये इजली फोल्ड हो जाता है ऐसे, ठीक है, और ऐसा फोल्ड होके इजली जो नैरो से नैरो ब्लड वेसल्स है उससे वो इजली पास हो जाता है। इट कैन इजली पास थ्रू नैरो ब्लड वेसल्स। गॉट इट? यस और नो? यस और नो? अब आप सबने एक टनल वाला गेम शायद से खुद भी खेला होगा, ठीक है, जो ऐसे हम एक टनल बनाते हैं। अगर बेटा अगर आप सीधा जाओगे तो उस टनल से क्रॉस कर जाओगे? कैन यू क्रॉस द टनल? यू कांट। बट इफ यू गेट फोल्डेड, अगर आप फोल्ड हो जाओगे ऐसे और यू नो वॉक ऑन योर नीज, यू कैन इजली पास थ्रू दिस, है ना? अगर घुटनों के बल यहां से आप रेंगते हो जाओगे, क्रॉल करते हो जाओगे, यू कैन इजली पास दिस टनल। लेकिन अगर खड़े होके जाओगे नहीं जा सकते। सेम ऐसे आरबीसी का है, आरबीसी के सेल्स जो है अगर फोल्ड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ बाइकॉनकेव शेप, दे कैन इजली मूव थ्रू द नैरो वेसल्स। अगर वो सीधे खड़े रहेंगे दे कांट। गॉट इट? यस, यस और नो? स्पीक अप।
बेटा आपकी वीडियो भी फ्रीज रहा है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। यस बेटा ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द अडैप्टेशन इन आरबीसी सो दैट दे कैन हैव मैक्सिमम हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है, ये जो रेड ब्लड सेल है इसमें क्या अडैप्टेशन है, उसने अपने आप को कैसे जो है अडैप्ट किया है कि उसमें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ जाए। तो सबसे पहले उसके पास कोई बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, राइट डाउन बेटा, कोई न्यूक्लियस या कोई और स्ट्रक्चर, और एनी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, खाली पड़ा है। अगर मैं आपके रूम में, क्लासरूम से सारे डेस्क हटा दूं, सब कुछ हटा दूं, इट्स एम्प्टी, यू कैन फिल एज मच एज स्टूडेंट्स एज यू कैन, डेस्क के साथ आप शायद से 40 बच्चे ही बैठ सको, डेस्क हटा दूं तो इसमें शायद से 100 बच्चे बिठा दूं। सेम ऐसे ही आरबीसी खाली है, कुछ नहीं है, सो वी कैन फिट एज मेनी एज हीमोग्लोबिन, इसमें हम जितने मर्जी जो है हीमोग्लोबिन वी कैन एडजस्ट। ओके गॉट इट, यस और नो? यस बेटा, जब खाली कोई चीज होगी उसमें बहुत सी चीजें हम फिट कर सकते हैं ना। सो दैट इज हाउ। सो नाउ अब आ गया हमारे ब्लड का कंपोजिशन, द लिक्विड पार्ट, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके सो दिस लिक्विड पार्ट दैट यू कैन सी इज अ प्लाज्मा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज अ फ्लूइड पार्ट एक्चुअली, जिसमें सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स प्रेजेंट है? थ्री सेल्स जो हमारे बॉडी में कलर्स हैं, जो कलर्ड सेल है जो सबसे ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, राइट डाउन बेटा, क्वांटिटी इज ऑल्सो बिग, ठीक है, एंड ऑल्सो आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है? जो अभी हमने प्रोटीन पढ़ा दैट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अलोंग विद गिविंग रेड कलर टू द ब्लड, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट्स एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, एक जगह से दूसरी जगह यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन इज द पार्ट दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन और उसको फिर हर एक पार्ट में जाके अनलोड करता है, छोड़ के आता है, जैसे हम जो कोरियर वाला होता है ना, कोरियर हर एक जगह छोड़ के आता है जहां जहां जाना है, वैसे ही ऑक्सीजन जहां जहां चाहिए ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आर बॉडी और सेल इट ट्रांसपोर्टेड देयर ओनली। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, गॉट इट? नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? ओके सो आई एम राइटिंग इन अ बोर्ड, सो रेड ब्लड सेल वी डिस्कस्ड लॉट, नेक्स्ट इज WBCs, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड, व्हाई दीज आर व्हाइट इन कलर, हु कैन टेल मी व्हाई दे आर व्हाइट इन कलर, व्हाई दे आर नॉट रेड लाइक रेड ब्लड सेल्स? थिंक अबाउट दिस, हीमोग्लोबिन। दैट्स रियली गुड स्टूडेंट्स, वंडरफुल। सो वी से हमने कहा भी हीमोग्लोबिन वो कलर है, पिगमेंट है जो कि रेड कलर दे रहा है रेड ब्लड सेल में। अब इसमें कलर ही नहीं है, कौन सा कलर, कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन, नो हीमोग्लोबिन, एंड दैट्स व्हाई इट इज व्हाइट इन कलर, इट्स नॉट कलर्ड, है ना? सबसे पहले तो ये, एंड WBC, दीज आर बेसिकली सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी, दे आर कॉल्ड सोल्जर्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी, हु कैन टेल मी?
Yes. Yes, beta. Yes, they kill germs and control our body और control the disease. ठीक है, तो आपने बेटा कभी देखा होगा, कभी किसी को कोई कोई बीमार है और उसके ब्लड ब्लड रिपोर्ट्स आई है, ठीक है? सो वहां पर आप बेटा एक नोट करना, TLC करके होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. ठीक है, ज्यादा हमने अभी डीप में नहीं जाना, आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल बिट आइडिया. ठीक है, तो ल्यूकोसाइट काउंट, तो ये हमेशा व्हेन अ पर्सन इज हैविंग एनी डिजीज, दिस इज इंक्रीज्ड. इसका जो नॉर्मल लेवल दिया होता है, रेफरेंस वैल्यू जो भी है, तो ये बड़ा होता है. तो दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स. अब आप खुद सोचो, ठीक है, इमेजिन करो अगर कहीं पर कोई अटैक हुआ है, चोर चोर है जिसने चोरी की है, कहीं पर कुछ हमला हुआ है, वहां पर आपको आर्मी वाले लोग ज्यादा दिखेंगे या नॉर्मल सीन में, जैसे अगर अभी हमारे नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हो रखा हमारे लोकैलिटी में, ओके, इट्स अ पीसफुल, डू यू फाइंड आर्म पर्सन इन दिस एरिया मोर और इन इन दैट एरिया वेयर सम यू नो मिस हैपनिंग इज हैपन? यस, कहाँ मिलेंगे हमें ज्यादा आर्म फोर्स? जहां पर कुछ हुआ है ना, कुछ गलत हुआ है, चोरी हुई है या अटैक हुआ है, समथिंग, वाई सो टू कंट्रोल, है ना, वहां पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, और इवन जो लोग हैं जो गलत हो गए उनको पकड़ने के लिए. सेम हमारी बॉडी में जब जर्म्स आते हैं, अटैकर्स, इन्वेडर्स, तो उनको पकड़ने के लिए आर बॉडी प्रोड्यूस मोर WBCs. ठीक है, डिफेंस सिस्टम हमारा फास्ट हो जाता है. अब वो फास्ट होगा तो ऑब्वियस देयर क्वांटिटी गेट इंक्रीज, है ना, इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से वो क्या होगा, सम जर्म्स गेट किल्ड और डिजीज गेट कंट्रोल्ड. एंड डू यू नो हमारी बॉडी में ये जो डिफेंस सिस्टम है, इट्स रियली वेरी एडवांस. वो तो हम दवाई खाते रहते, इससे थोड़ा सा वो कम हो गया. अदरवाइज पहले कहाँ होती थी दवाइयां, जुखाम होता था, बुखार होता था, अपने आप कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता था. ठीक है, सो आर बॉडी हैज वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम दैट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, गॉट इट? एंड नाउ वन मोर थिंग अबाउट द WBCs, नोट डाउन स्टूडेंट्स, इनके टाइप्स हैं, दे हैव मेनी टाइप्स एंड दैट डिपेंड्स अपॉन देयर शेप ऑफ द न्यूक्लियस, जो सेंटर में होता है ना सेल के बीच में न्यूक्लियस, उसकी शेप के बेस पे वी कैन क्लासिफाई देम. बस इतना याद करना है, अभी हमने ज्यादा डीप में नहीं जाना कौन कौन से हैं. ठीक है, जैसे आरबीसी की हमने टाइप्स नहीं पढ़ी क्योंकि उसकी है नहीं, WBC हैज टाइप्स बिकॉज उसकी जो अलग अलग न्यूक्लियस की शेप है, सो वी कैन क्लासिफाई देम इजिली. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन क्लासिफाई WBC ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव, थर्ड टाइप का भी हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया. ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप देख रहे हो, अभी हमने पढ़ लिया था, किसी ने मुझे ब्लड वेसल, सभी ने दिया था शायद से ब्लड वेसल का आंसर, है ना, लाइक अगर हमने अपने घर में जो है पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, सो वी नीड पाइप्स, है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लोस हेयर, है ना, इन द ब्लड वेसल्स व्हेन वी गेट और इंजर्ड, ओके, जब हम चोट लगती है ब्लड निकलता है, क्यों निकलता है, अब जो ये ब्लड वेसल्स है, ओके, ये कहीं से टूट गई है, ओके, दीज आर ब्रोकन फ्रॉम समवेयर, और जिसके कारण यहां से ब्लड निकलता है, ब्लड इज कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग. बट आफ्टर सम टाइम इफ यू नोटिस्ड ब्लीडिंग गेट स्टॉप्ड, खून आना बंद हो जाता है ना, अगर छोटी मोटी चोट लगी हो, होता है नहीं होता है, यस और नो? यस और नो बेटा, आई कैन
see that you are responding, but I'm not able to listen you or hear you. Okay, so yes, so blood comes out, but after some time it gets stopped. किसने बंद किया इसको कि नहीं आना अब? Here comes third type of cells, platelets. Yes, platelets. These are platelets. ठीक है, प्लेटलेट्स अब यहां पर जो है, यहां जहां चोट लगी है यहां पर सीलिंग करना स्टार्ट करता है. ये देखो, सीलिंग करना, ब्लड को थिक करना शुरू कर देता है, गाढ़ा कर देता है ब्लड को, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो ग्लू जैसा हो जाता है. इट बिकम्स लाइक अ ग्लू एंड आफ्टर सम टाइम देयर इज अ प्लग और वी कैन से सील. सो ब्लड स्टॉप हियर एंड दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ब्लड को क्लॉट यानी काइंड ऑफ यू जस्ट नोट डाउन, इट्स लाइक थिकनिंग ऑफ ब्लड. ओके, इट इज अ ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और कॉम्पोनेंट. ओके, सो हमें जब चोट लगती है, ठीक है, तो दिस इज द सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, इट सील द वूंड. सील द वूंड, इज इट क्लियर बेटा? अब हमें सबके फंक्शन पता है, जो थ्री कंपोनेंट्स है, नाउ वी नो द फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री. सो नाउ गो बैक. सो दिस इज हाउ यू नो इट गेट सील्ड, यहां पर ये सीलिंग होगी. अब आ जाता है जो हमने ब्लड वेसल्स किया. देखो, हमने पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर पहले बिगनिंग ऑफ द सेशन कि जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वी नीड सम मीडियम. लाइक अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है बाय कार, बाय स्कूटर, बाय बस, वी नीड रोड. हियर यू कैन सी दिस पर्सन ऑल्सो ट्रेवलिंग. ओके, सो दिस ऑल्सो नीड दिस रोड टू ट्रेवल. ओके, सिमिलरली आर ब्लड ऑल्सो नीड अ रोड दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट यू ऑलरेडी टोल्ड मी. सो हेयर इन आर बॉडी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस. सो नोट डाउन स्टूडेंट्स, आज हम बस थोड़ा सा इसका इंट्रो करते हैं, बाकी हम करेंगे इन नेक्स्ट क्लास. नोट डाउन व्हाट ब्लड वेसल्स वी हैव. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस. फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकेंड इज वेन्स, एंड द थर्ड इज कैपिलरीज. दीज थ्री वी हैव. ओके, कैपिलरीज, ओके, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. अब यहां पर इसके नीचे लिख लो बेटा, आर्टरीज जो है इसका जो डायरेक्शन होता है ब्लड का वो हार्ट टू बॉडी होता है. हार्ट से लेके जाती है, दूर लेके जा रही है. वेन्स जो है बॉडी से वापस, इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. कैपिलरीज बेसिकली एक्सचेंज करती है, वी कैन से बॉडी टिश्यूज टू, ये बीच में आ जाता है इसका रोल. बेसिकली कनेक्ट करती है वेन्स और आर्टरीज को. सो यहां पर आ जाएगा वेन्स, इस साइड हम पहले लिख देते हैं आर्टरीज. सो इट मेक्स दिस चैनल. ठीक है, अब इट्स अ थिक वॉल्ड, ये इसका रीजनिंग बेटा आपने सोच के आना है नेक्स्ट क्लास के लिए. व्हाइट इज अ थिक वॉल्ड. ठीक है, इट्स थिन एंड कैपिलरी इज वेरी थिन. इसका भी रीजन आपने देख के आना, व्हाइट इज वेरी थिन वॉल्ड. ठीक है,
ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज। वेन्स में आपने एक और लिखना है, वॉल्स आर प्रेजेंट, वॉल्स प्रेजेंट। अब क्यों प्रेजेंट है, इसका आंसर आपने नेक्स्ट क्लास के लिए नोट करके आना है। यू हैव टू फाइंड एंड आई विल आस्क यू, देन वी विल डिस्कस अपॉन दिस, ठीक है। इन दिस नो वॉल्स आर प्रेजेंट, इट डजंट हैव एनी वॉल्स इधर, कैपिलरीज, नो वॉल्स। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री ब्लड वेसल्स। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट दीज थ्री, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज थ्री, ठीक है। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे, ठीक है। अब हम सब जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? यस बेटा, कोई भी, आई कैन सी हैंड्स आर रेज बट योर वीडियो इज फ्री सो आई कांट यू नो आस्क एनी ऑफ यू। यू कम फॉरवर्ड, किसी को भी जिसको आंसर आता है, जिसके अभी तक टर्न नहीं आई है, कम फॉरवर्ड एंड स्पीक, ठीक है। देर इज अ नेटवर्क इशू एट योर साइड, सो जिसको आंसर आता है माइक के पास आके बोले। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन एंड लो टू अदर बॉडी पार्ट्स। That's good. So it's a hemoglobin है, क्या करता है, to helps in to transport. Okay, it transport oxygen. Its role is transport oxygen. That's good. Okay, that's good. Coming to next question, so हम सारा discuss कर सके। What is the composition of hemoglobin that we discussed? What is the composition of hemoglobin? Hemoglobin किसका बना है? क्या है hemoglobin? What is the composition? अच्छा Protein. Hemoglobin is a protein. It's a protein that we discussed. ठीक है? अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। नेम द ब्लड सेल्स विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स। कौन से सेल है जिनकी टाइप्स हैं? वी डिस्कस्ड अबाउट दैट ऑल्सो। यस, व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट्स रियली गुड। गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Why RBCs don't have nucleus? Why RBCs don't have nucleus? क्यों उसके पास nucleus नहीं है? मैंने बताया था आपको। टू टेक मोर मोर हीमोग्लोबिन। Yes, to take more hemoglobin. और दूसरा क्या है? अगर उसके अंदर कुछ होगा नहीं तो क्या होगा? इट कैन इजली पास थ्रू नैरो ब्लड वेसल्स, इजली पास थ्रू नैरो ब्लड वेसल्स, क्योंकि फोल्ड हो जाएगा, नैरो ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। आई होप इट इज क्लियर। आई थिंक दैट इज इनफ, है ना। अच्छा, हु कैन टेल मी लास्टली व्हाट इज फ्लूइड, व्हाई ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड? लास्ट क्वेश्चन,
can flow. Then because it can flow. That's really good. Yes, because it can flow, है ना? It can flow, and that's why it is fluid. Any substance that can flow is a fluid. That's really good, students. Yes, so it's a fluid. So now, whenever someone asks you why blood is a fluid, you can say it because it can flow. That is why it's a fluid. Okay? So that's really good to know that. So अब बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए आपने क्या करना है, ये जो हमने लास्ट का फ्लो चार्ट किया है अबाउट द ब्लड वेसल्स, गो थ्रू दैट थरोली. ओके, ऑल्सो फाइंड द वाई वाई आर्टरीज आर थिकर और हैव थिक वॉल्स, वाई वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स ओनली, वाई कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड. तीनों का एक एक क्वेश्चन करना है. क्या है क्वेश्चन? मैंने आपको फ्लो चार्ट के टाइम बताया है. व्हाई आर्टरीज हैव थिक वॉल, व्हाई वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, व्हाई कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड. ठीक है, इसका आपने आंसर फाइंड करना है और सबका अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए. डोंट कॉपी, डोंट कॉपी. ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले रेंडमली नंबर नाम लेके, रोल नंबर वाइज आई विल कॉल, किसी का भी आंसर सेम नहीं होना चाहिए, मेक श्योर. ओके, गॉट इट? ओके, सो नाउ योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ वाइल. ओके, टेक अ 2 मिनट ब्रेक. ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय. बाय. उसकी शक्ल होती है, यू नो, ऐसे ही होता है ना. नाउ सो मेनी चिल्ड्रन आर सिटिंग हियर, राइट? एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट नेम. सबके सब बच्चों के अलग अलग नेम है. मेरा डिफरेंट नेम है, गर्ल्स का सबका अलग अलग नाम है, बॉयज का सबका अलग अलग नाम है. तो वैसे ही जो नंबर्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके उसमें हमने क्या चीज कहाँ लिखी हुई है. ओके, नंबर छोटा है, बड़ा है, फ्रैक्शन में लिखा है हमने या फिर नहीं फ्रैक्शन में लिखा. हमारे पास सपोज 0 है, क्या ये भी एक फ्रैक्शन है? क्या 0 एक फ्रैक्शन है? हु आर सेइंग यस, रेज योर हैंड. 0 को हम लिख सकते हैं ना, 0/7, 0/6 लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये भी एक फ्रैक्शन है. ओके, तो आपको ये पहचान करनी है कि फ्रैक्शंस में जो भी हमने नंबर्स यूज किए, न्यूमिरेटर में, डिनोमिनेटर में, या फिर अकेला 0 यूज किया, या फिर अकेला 5 यूज किया, 5 को भी हम, वी कैन राइट इट एज 5/1, तो ये भी एक फ्रैक्शन है. ओके, तो ये सारे नंबर, जो जो नंबर हमारे यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रैक्शंस में हमारे पास यूज होते थे सारे होल नंबर्स. ओके, नंबर लाइन जो आपके पास होती है, नंबर लाइन के ऊपर आपके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कैन यू टेल मी? कौन बताएगा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से. यस, यू नो, 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे. तो 0 के को लेते हुए, 0 को काउंट करके इसके आगे जितने भी नंबर्स आते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सारे होल नंबर्स होते हैं. तो फ्रैक्शंस में हम होल नंबर्स यूज करते थे. न्यूमिरेटर में भी होल नंबर, डिनोमिनेटर में भी होल नंबर, न्यूमिरेटर में होल नंबर, डिनोमिनेटर में होल नंबर, न्यूमिरेटर में होल नंबर, डिनोमिनेटर में होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स हम जितने मर्जी, इनफाइनाइट होल नंबर्स होते हैं. 0 के बाद जो मर्जी आप लिख लो, बड़ा लिखो, छोटा लिखो, कोई भी नंबर लिखो, बट वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए. इनको हम बोलते थे फ्रैक्शंस. नाउ यू आर इन 7th क्लास. ठीक है, 7th में आपने इंटीजर्स का चैप्टर भी कर लिया है. अभी कर लिया ना इंटीजर्स का? इंटीजर्स में आपने क्या पढ़ा है? ये एक नया नेम है इंटीजर्स का, उसमें क्या पढ़ा है आपने? नेगेटिव नंबर्स पढ़े हैं. आपने पढ़ा है कि हमारी जो नंबर लाइन होती है ये दोनों साइड पे एक्सटेंड होती है. 0 से पीछे भी कुछ नंबर्स होते हैं,
सारे नेगेटिव नंबर जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, यू नो इट। यस, तो जब हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर्स में इंटीजर्स यूज करते हैं, जैसे -3/5 यूज कर लिया, या -3/-5 कर लिया, या हमने 3/-5 कर लिया, या हमने 0/-5 कर लिया, इनको सबको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। हैव यू कम टू नो कि रैशनल नंबर उसका न्यू नेम क्यों पड़ा है? क्योंकि अभी हम होल नंबर के अलावा अभी हम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो दोनों में नेगेटिव हो अप एंड डाउन, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे एक नेगेटिव हो ऊपर या नीचे, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इन सेवेंथ क्लास यू हैव लर्नड अ न्यू नेम ऑफ नंबर्स, कि उसकी जैसी पहचान होगी, जैसे ही आप देखोगे कि उसमें कैसा साइन है, उसके हिसाब से आप उसको बोलोगे कि ये रैशनल नंबर है। और जो जो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा, आपने उसको मिक्स में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते थे या लोएस्ट फॉर्म में करते थे, काट के उनको एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लाई किया, आपने डिवीजन किया सिक्स क्लास में, वो सब हम यहाँ पे करते हैं, सेम चीज करते हैं, सही सेम रूल आपके अप्लाई होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी कि रैशनल नंबर क्या चीज है? ओके आपको ये पता चल गया कि इसका नाम जो है वो रैशनल नंबर क्यों पड़ा है, क्योंकि अभी हम नेगेटिव साइन भी यूज कर रहे हैं साथ साथ। जीरो और पॉजिटिव तो पिछली क्लास में भी यूज कर रहे थे, अभी हम नेगेटिव भी उसके साथ यूज कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हो गया रैशनल नंबर्स। ओके सो पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर, जो आपको पता होनी चाहिए। ओके राइट डाउन, रैशनल नंबर्स। अभी आप जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगी आपने भी साथ साथ लिखना है। ओके रैशनल नंबर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि असर्शन रीजन में आपके पास आ जाती है डेफिनेशन और आपको बताना होता है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अ नंबर, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी वर्ड इसमें से मिस नहीं होना चाहिए, बोल बोल के लिखो, बिकॉज इसमें कुछ भी मिस हो गया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो आपकी डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर नहीं बनेगी, कुछ और बन जाएगा। ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी रिटन क्लियरली बाय अंडरस्टैंडिंग एंड डोंट मिस एनी वर्ड। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाय क्यू, दिस आर स्मॉल लेटर्स पी और क्यू, ओके छोटे लेटर्स हैं दोनों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना आता है वैसे करो। इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अभी हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q is not equal to zero. Q is not equal to zero. Most important है, इसमें कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। Not लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि not का मीनिंग क्या है और उसका हमने सिंबल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करके उसको काटते हैं सेंटर से। मैंने देखा है कई बच्चे ना not को ऐसे लिख देते हैं,
दिस इज रॉन्ग। इक्वल का साइन डाल के सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, विच रिप्रेजेंट्स नॉट इक्वल टू। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता है हमने क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्या मीनिंग है इसका? जिसको भी पता है आगे आके बताओ। क्यू हमारा डिनोमिनेटर में है, आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली कि क्यू डिनोमिनेटर में है, और यहां हमने लिखा है कि क्यू इज नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाई? अगर 0 होता तो क्या होता? राइट डाउन। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए। लिखो फॉर एग्जाम्पल 5/2 -7/3 -9/-8, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं, बट 5/0 इज नॉट डिफाइंड। आपको होल नंबर के चैप्टर में भी ये बताया गया था, और 6th में भी आपको बताया गया था कि हाँ, 6th में जो होल नंबर का चैप्टर था, आपको बताया गया था कि डिनोमिनेटर में 0 जब भी आता है तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, उसका कोई नेम नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखा है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आप डेफिनेशन में कोई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखते तो ये आपकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। सपोज आपको एसर्शन रीजन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और साथ में ये चीज नहीं लिखी हुई, तो आप बोलोगे ये फॉल्स है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ आ गया बेटे आपको? Yes. ऑल राइट ऑल राइट, अभी आगे लिखो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, आपके कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होगा? बोथ P एंड Q आर पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट्स हैं कि बोथ P एंड Q आर पॉजिटिव, और B क्या हो सकता है? बोथ P एंड Q आर नेगेटिव। या तो हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल 7/9 और -7/-9। आपको पता है जब ऊपर नीचे दोनों के पास सेम साइन होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, यू नो इट? यस यस, इंटीजर्स में आपने 7, 6 में भी पढ़ा होगा, जब आपके पास ऊपर और नीचे दो साइन सेम होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव ही बन जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर किसका नाम होगा? जिसमें आपके पास या तो दोनों अप एंड डाउन पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। नोट इट डाउन, फिर मैं इसको क्लियर करूंगी।
दिख लिया सबने? yes. बेटे आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ये भी लिखना है बट 5/0 इज नॉट डिफाइंड, सब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एग्जाम्पल भी लिखना है आपको, ये चीजें जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे अच्छे से फिर आपको चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं आएगा क्वेश्चन, कोई मुश्किल कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि कैसा नंबर है, हमने क्या बताना है इसके बारे में। ओके दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए आपके पास या तो दोनों दोनों का सेम साइन होना चाहिए बस, ये याद रख लो। थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? इसमें क्या होगा, आइदर पी इज नेगेटिव और क्यू इज नेगेटिव, आइदर और का मीनिंग पता है ना आपको, यू नो इट, आइदर और इसका मतलब एनी वन, या तो पी नेगेटिव होगा या फिर क्यू नेगेटिव होगा, दोनों नहीं हो सकते। अगर आपको और इजी लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हो दैट इज एनी वन इज नेगेटिव, एनी वन, रैशनल नंबर में दो नंबर होते हैं अप एंड डाउन, तो उनमें से कोई भी आपके पास एक नेगेटिव हो सकता है ऊपर या नीचे। एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल मुझे आप बताओ। हाँ जी बताओ, माइनस माइनस थ्री एंड नाइन, माइनस थ्री अपॉन नाइन, एंड नाइन नहीं बताना, माइनस थ्री अपॉन नाइन, अपॉन हमें ये बता रहा है कि वो डिनोमिनेटर में है। ओके अकेला सेवन भी तो एक रैशनल नंबर है, अकेला माइनस सेवन अगर मैं लिखूं ये भी तो रैशनल नंबर है, यस ओके अपने आप इसके नीचे आप वन लिख सकते हो, देन आपके पास ये भी आ सकता है 5/-4, ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। एंड प्लीज रिमेम्बर, आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम ऐसे नेगेटिव लिखते हैं तो हमारा जो नेगेटिव साइन है उसको हम सेंटर में लिख देते हैं, माइनस माइनस को सेंटर में लिखेंगे, -3/9, -7/1, -5/4, जो आपको फ्रैक्शन का साइन है उसके सेंटर में लिख देते हैं इसको, तो हमारे पास बन जाता है नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर एक नंबर के पास नेगेटिव है न्यूमिरेटर या डिनोमिनेटर में तो पूरा का पूरा रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव बन जाता है, तो हम इसको सेंटर में लिख देते हैं, -3/9, -7/1, -5/4। बुक में आपको कभी ऊपर नेगेटिव दिखेगा कभी नीचे दिखेगा, तो आपको ये देखना है, अंडरस्टूड करना है कि वो रैशनल नंबर नेगेटिव है। ओके तो क्या मैं यहाँ पे जीरो भी लिख सकती हूँ, नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या हम जीरो भी लिख सकते हैं बेटा? यस और नो? नो, देन राइट डाउन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जीरो हैज नो साइन, जीरो का कोई साइन ही नहीं है, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, जीरो है क्या चीज, वैसे क्या चीज है ये, इसको बोलेंगे क्या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ये आपका रैशनल नंबर का चैप्टर है तो जीरो क्या हुआ फिर,
साइन तो बता दिया आपने कि ना वो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, तो जीरो क्या चीज है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है? तो यहां पे लिखो आप रैशनल नंबर जीरो हैज नो साइन। जीरो बीच में अटका हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है तो वो रैशनल नंबर ही ना, बट उसका कोई साइन नहीं होता, बस नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कई बार असर्शन रीजन में आपको पता लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है कि नो साइन का मतलब होता है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, ओके, फिफ्थ पॉइंट, राइट डाउन एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज हमने टू नंबर्स आपस में ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स? ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास एग्जांपल है 5/2 प्लस -3/4। सपोज हमने दोनों को प्लस करना है, क्या ये रैशनल नंबर हैं दोनों 5/2 एंड -3/4? क्या ये रैशनल नंबर हैं? यस यू नो, तो इनकी एडिशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रैक्शन में की थी। फ्रैक्शन में आपने क्या सीखा था कि हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 4 इसका एलसीएम आएगा। एंड यहां पे क्या आता है, व्हाट वुड यू राइट हियर? एलसीएम लेना आता है सबको, एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की, यू नो? ओके ट्राई करो, जो आपने सीखा हुआ है डू बाय दैट वे। मैं आपको टाइम दे रही हूं, डू इट। अपनी नोटबुक में करो, आई विल कॉल यू, यू शुड नो हाउ टू डू दिस ऑल। एलसीएम हमारे पास जब हमने ऐड करना है इनको, एलसीएम ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंड 4 का, ठीक है? मैं शुरू से बता रही हूँ तो सो दैट जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उनको पता होना चाहिए कि कैसे आया ये, ठीक है? आगे फिर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलसीएम आपके पास आया 2 into 2, 4, ठीक है? तो 4 आपने नीचे लिख दिया, अब क्या करोगे यहाँ पे ऊपर? 4 को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, राइट? क्या करोगे इसको, 4 को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, 4/2। जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? ये मेथड फॉलो करते हो ना एलसीएम के लिए, तो अभी इसको नीचे क्लीन लिखो यहाँ पे। 4 ऊपर क्या आएगा आपके पास, 2 into 5 प्लस -3, तो ऑलरेडी आपके साथ था, -3 into 1, क्योंकि ये 4 जो है वो 4/4 क्या होगा, 1, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, ठीक है? सो इट विल बी 10 -3/4 = 7/4। आपका ऐड करके आंसर आएगा 7/4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडिशन में आपके पास अभी इंटीजर्स यूज हो रहे हैं, इंटीजर मतलब नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, तो आपको केयरफुली देखना कि नेगेटिव साइन कैसे यूज करना है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो हमारे यहाँ पे माइनस आ गया, इंटीजर का चैप्टर यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव डन 10 - 3 = 7। ओके, और जब भी आपके पास, रिमेंबर इट, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर नंबर है, दिस इज इम्प्रॉपर, तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर आंसर आता है उसको हम मिक्स में आंसर लिखते हैं,
सेवन को फोर से डिवाइड करो, चेक करो उसको, मिक्स में क्या लिखोगे? फोर वन जा फोर, क्या आंसर होता है? क्या कैसे लिखते हैं इसको मिक्स में? फोर क्या फॉर्मूला होता है बेटा मिक्स में लिखने का? क्यू आर बाय डी, क्वोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वोशेंट आपके पास कितने हैं? वन, रिमाइंडर इज थ्री एंड डिवाइजर इज फोर, 1 3 by 4। प्लीज रिमेम्बर, जब भी आप मिक्स में सॉरी इम्प्रॉपर में देखते हो उसको, तो उसका जो है मिक्स में आंसर लिखना है आपने। ओके, सिमिलरली आपकी सब्ट्रैक्शन होती है, सब्ट्रैक्शन है तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, एडिशन है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, मॉड्यूल है आपके पास बेटा आज रैशनल नंबर का? ओके, इट्स ओके, हम और क्वेश्चंस करते हैं। स्टेट वी आर गोइंग टू डू वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस जो आपने ऑलरेडी फ्रैक्शंस में किए हुए हैं क्वेश्चंस। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नोट करो साथ में, रैशनल नंबर्स राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन द गिवन पैटर्न। गिवन पैटर्न, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन द गिवन पैटर्न। पैटर्न आपके पास दिया हुआ है -3/5, कॉमा -6/10 और -9/15। आपको 4 और रैशनल नंबर्स लिखने हैं इसी तरह के। ओके, पैटर्न दिया हुआ है आपको। पैटर्न का मतलब आपने ध्यान से देखना है कि वो न्यूमिरेटर किस किस से मल्टीप्लाई होके आगे जाता जा रहा है और डिनोमिनेटर किस से मल्टीप्लाई होके आगे जाता जा रहा है, क्या रिलेशन है नंबर्स का आपस में। फ्रैक्शन में भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया था राइट 4 मोर फ्रैक्शंस ऑफ दिस टाइप। ओके, ध्यान से पहले नंबर्स को देखो, पहले क्वेश्चन नोट सारे। ध्यान से नंबर्स को देखो बेटा, पैटर्न कैसे चल रहा है आपका? -3 है, यहाँ पे -6 है। -3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि -6 आ जाए? थिंक ऑफ इट। कैन यू सी यहाँ पे थ्री का टेबल चल रहा है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 ऊपर। प्लीज सी इट केयरफुली, 3 into 2 by 5 into 2 आपके पास इवन नंबर आ रहा है। फिर आपने -3 into 3 by 5 into 3 किया तो ये वाला नंबर आ रहा है। यस पैटर्न आपको पता चल गया राइट 4 मोर। आपने अपनी नोटबुक में लिखो, फिर आप बोर्ड से चेक करना कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं है। एवरीबडी विल डू, सारे करेंगे, जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो भी करेंगे, बिकॉज अभी आप मैं आपको आगे नहीं बुला सकती ना बताने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूंगी आप आगे आओगे बताने के लिए भीड़ से निकल के, तो प्लीज इसको नेक्स्ट वाले नंबर्स क्या क्या होंगे, 3 का टेबल लगाते जाओ, इसको नेक्स्ट नंबर क्या होगा? -12/20, 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -15/25,
सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे -18/30, तीन नंबर आपके पास आ गए, एक और फोर्थ नंबर लिखना है क्योंकि हमने फोर लिखने थे, है ना। तो अभी आप इसको एक और नंबर लिखो 7 से मल्टीप्लाई करके, -21, 7 से जब मल्टीप्लाई किया 5, वेरी गुड। दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आपको पता चल चुका है कि हम सिर्फ नेगेटिव साइन को यूज कर रहे हैं और उसका नाम हो गया रैशनल नंबर, बाकी सब तो आपने फ्रैक्शन में किया ही हुआ था। ओके एक और क्वेश्चन करो, इसका नोट कर लिया बेटे सबने। नोट कर लिए सबने? ओके एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन। राइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ -2/7। इक्विवेलेंट इसके इक्वल होना चाहिए, क्या करते हो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए? ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। कई बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 2/7 × 2 कर देंगे, कई बच्चे इसको -2 × 3/7 × 3 कर देंगे, कोई 4 से करेगा, कोई 5 से करेगा, तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, सेम इन द सेंस इक्विवेलेंट आएगा। ओके किसी का आंसर आएगा -4/14, 4/14, किसी का आंसर आएगा -6/21, तो ये दोनों आंसर ठीक है, जो ये लिखते हैं वो भी ठीक है, जो ये लिखेंगे वो भी ठीक है। ओके ये भी इसके इक्विवेलेंट है और वो भी इसके इक्विवेलेंट है, बस आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ऑफ कोर्स वो इक्विवेलेंट आएगा ही। ओके बेटा मैं बेटा टुमारो विल स्टार्ट द मॉड्यूल, ठीक है। रैशनल नंबर का आपको ये पता चल गया कि रैशनल नंबर इज सेम एज फ्रैक्शंस ओनली, ठीक है। नाम इसका डिफरेंट है बट वही वाले सेम रूल हमारे अप्लाई हो रहे हैं, तो कल हम इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके सो सी यू टुमारो बेटा, बाय बेटा। यस बेटा कुछ कहना है आपने? चलो सी यू टुमारो, बाय बेटा।